नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का और मैं हूं चंदन सिंह। उद्धव ठाकरे ये समझ चुके हैं कि उनके हाथ से सत्ता ही नहीं बल्कि पार्टी की कमान भी जा सकती है। यही वजह है कि उन्होंने फेसबुक लाइव किया और अपने समर्थकों से मुखातिब हुए। यही नहीं, इस्तीफे की पेशकश कर गेंद एकनाथ शिंदे के पाले में डाल दी। उन्होंने और कौन कौन सी बड़ी बातें कही हैं आपको दिखा दें। शिवसेना का पुत्र हूं, मुझे कुर्सी का लालच नहीं है। अगर शिवसैनिक बोलेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा, उद्धव ठाकरे का ऐलान। अगर शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा तो मुझे मंजूर है। मैं नाटक नहीं कर रहा, कुर्सी का लोभ नहीं है। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा, बागी विधायक मुझसे कहेंगे तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। साथ ही विधायकों को मैसेज दिया है, शिवसेना से गद्दारी ना करें, सामने आकर बात करें। कांग्रेस और एनसीपी ने मुझ पर भरोसा जताया, शिवसेना कभी हिंदुत्व के रास्ते से नहीं भटकी। एकनाथ शिंदे को पार्टी में बहुत मान सम्मान मिला, जबरदस्ती से संख्या बल को बढ़ाया नहीं जा सकता। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना कार्यकर्ताओं से भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि शिव सैनिक को पार्टी से गद्दारी नहीं करनी चाहिए। फेसबुक लाइव में पार्टी कार्यकर्ताओं से उद्धव ने कहा कि आप मुझे सीएम पद पर नहीं देखना चाहते तो सामने आकर बात करें, मैं पद छोड़ने को तैयार हूं। पण त्यांनी सांगावं, मी दोन्ही पद सोडायला तयार आहे, पण मी मुख्यमंत्री पद सोडल्यानंतर जर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होत असेल मला आनंदाने मान्य आहे, आनंदाने मान्य आहे। पण त्याही पलीकडे जाऊन केवळ मी मुख्यमंत्री नको, दुसरा कोणी असला तरी चालेल, पण शिवसेनेचा म्हणजे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नको, दुसरा कोणी चालेल, चला तेही मला मान्य आहे, पण एकदा मला समोर येऊन सांगा। उद्धव ने ये कहकर बागी नेता एकनाथ शिंदे को संदेश देने की कोशिश की कि अगर कोई और शिवसैनिक सीएम बनता है तो उन्हें खुशी होगी। उन्होंने कहा कि वो पार्टी अध्यक्ष पद तक छोड़ने को तैयार है। माझ्याकडे उत्तर आहे, ज्या शिवसैनिकांना असं वाटत असेल की मी शिवसेनेचं नेतृत्व करायला नालायक आहे, त्याला मला सांगा, मी हे पद सोडायला तयार आहे। मी शिवसेना पक्षप्रमुख पद पण सोडायला तयार आहे, पण हे सांगणारा विरोधक नाही, नाहीतर असे फडतूस लोक खूप आहेत, त्यांच्या सांगण्यावर किंवा त्यांच्या त्या काय ते ट्रेंडिंग ट्रोलिंग ट्विटर फिटर ह्याच्यासाठी मी काय त्यांना मी बांधील नाही आहे, मी माझ्या शिवसैनिकाला बांधील आहे। आणि शिवसैनिक सुद्धा या भानगडीत पडणारा नाही आहे, कारण तो फेस टू फेस संकटाला सामोरं जाणारा शिवसैनिक आहे। उद्धव ने कहा कि एकनाथ शिंदे को पार्टी ने काफी सम्मान दिया। शिंदे आदित्य ठाकरे के साथ अयोध्या भी गए। उद्धव ने कहा कि शिवसेना ने हिंदुत्व की राह कभी नहीं छोड़ी। शिवसेना म्हणाल तर शिवसेना आणि हिंदुत्व हे दोन घट्ट एकमेकांमध्ये गुंफलेले जोडलेले हे शब्द आहेत। शिवसेना कदापि हिंदुत्वापासून आणि हिंदुत्व कदापि शिवसेनेपासून दूर होऊ शकत नाही, कारण शिवसेना प्रमुखांनी जो एक कानमंत्र दिलेला आहे की हिंदुत्व हा आमचा श्वास आहे। म्हणूनच गेल्या एक 8-15 दिवसापूर्वी आदित्य एकनाथ शिंदे त्यांच्याबरोबर आपले काही आमदार खासदार मंत्री हे अयोध्येला जाऊन आले। फेसबुक लाइव के दौरान उद्धव ने कार्यकर्ताओं से भावुक अपील की, शिवसेना की एकता की बात की और बागी नेता एकनाथ शिंदे को संदेश देने की कोशिश की। इस दौरान उनका पूरा जोर ये साबित करने पर था कि शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर पीछे नहीं हटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उद्धव ठाकरे ने सिर्फ इमोशनल कार्ड ही नहीं खेला बल्कि इशारों इशारों में अपने पत्ते भी खोल दिए हैं। उद्धव के बयान के मायने बड़ी आसानी से समझे जा सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि शिवसेना हिंदुत्व के रास्ते को नहीं छोड़ने वाली, भले ही उन पर सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ने के आरोप लग रहे हों। उद्धव ठाकरे ने कहीं ना कहीं ये भी साफ कर दिया है कि एकनाथ शिंदे चाहें तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसके लिए वो सामने से आएं और बैठकर बात करें। उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब की शिवसेना का वास्ता देकर एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों से पार्टी के साथ गद्दारी ना करने और घर वापसी करने की गुहार भी लगाई है। यही नहीं, उन्होंने शरद पवार से लेकर सोनिया गांधी और कमलनाथ की तारीफ कर ये भी साफ कर दिया कि शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन तोड़ने वाली नहीं है। तो उद्धव ने कहीं ना कहीं ये भी इशारा कर दिया है कि बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही नहीं बनता। मतलब ये कि उद्धव ठाकरे ने अपने समर्थकों की निराशा दूर करने के साथ साथ एकनाथ शिंदे के पाले में गेंद डालकर अपनी छवि दुरुस्त करने की कोशिश की है।
हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मुंबई से जुड़े हुए हैं, शिवांगी ठाकुर और विशाल पांडे, और एक सहयोगी पूजा जो कि हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले विशाल, क्या अपडेट है वर्षा के सामने से? वहां पर अंदर बातचीत चल रही है और अभी लगभग एक घंटे का वक्त हो चुका है बातचीत होते हुए पवार और उद्धव ठाकरे के बीच। देखिए, पिछले एक घंटे से शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच बातचीत चल रही है। ताज़ा और इस वक्त के जो राजनीतिक हालात महाराष्ट्र में हुए हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार खतरे में आ चुकी है और इस बात का आभास महाविकास आघाड़ी के तमाम नेताओं को हो चुका है। शरद पवार किस फॉर्मूले को यहाँ पर उद्धव ठाकरे के सामने रखेंगे, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत के जानकार ये मान रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के पास अब बहुत कम विकल्प बचे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे की पार्टी पर फिलहाल कोई खतरा नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि उसके नियम कायदे कानून अलग होते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे शिवसेना सरकार पर बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि विधानमंडल दल के नेता के तौर पर जो 50% का क्राइटेरिया होता है विधायकों का, वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के साथ इस वक्त दिखाई दे रहा है। इसलिए सरकार पर पूरी तरह से खतरा है। अब देखना यह है एकनाथ शिंदे अब से थोड़ी देर में क्या ऐलान करने वाले हैं। ठीक है, एकनाथ शिंदे के ऐलान पर सबकी नजर रहेगी। उससे पहले उद्धव ठाकरे ने जो ऐलान किया शिवांगी, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने एक गुगली डालने की कोशिश की है। एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक गए हुए हैं, उन्हें यह बताने की कोशिश की है कि अगर आप में से कोई सीएम बनना चाहता है तो बन सकता है, बशर्ते बस वापस लौटना होगा घर। देखिए, ये एक तरीका था, ये तरीका था विधायकों को ये बताने का कि आप वापस आइए, आपको अगर मैं नहीं पसंद हूँ तो मैं इस कुर्सी को छोड़ दूंगा, मैं यहाँ तक कि शिवसेना प्रमुख के पद से भी इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन आप घर लौट आइए। एक इमोशनल मैसेज देकर उन सभी विधायकों को लुभाने की कोशिश यहाँ पर करते नजर आया उद्धव ठाकरे। लेकिन क्या विधायक उनकी बात को मानेंगे, क्या विधायकों पर इस पूरे फेसबुक का कोई लाइव का असर होगा? और लगातार वो ये भी कहते रहे कि टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से मुझे देखिए और मेरे स्पीच के बाद आप खुद तय करिए कि आपको घर वापसी करनी है या नहीं करनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ट्रबल शूटर, क्या असर पड़ेगा उनकी इस भावनात्मक अभी अपील का, गुवाहाटी में बैठे विधायकों पर क्या असर पड़ेगा और वहां क्या हलचल है? इसलिए गुवाहाटी से चलते हैं, पूजा मेहता हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, क्या हलचल दिख रही है गुवाहाटी में उस होटल के बाहर जहां विधायक ठहरे हुए हैं? देखिए, आपको बता दें, अब से थोड़ी देर पहले ये खबर जरूर सामने आई थी कि एकनाथ शिंदे 7 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर होटल के बाहर के माहौल को देखें तो बिल्कुल भी हलचल नहीं है। पुलिस भी जो यहाँ पर तैनात की गई है बेहद रिलैक्स मूड में, और कोई भी मूवमेंट या फिर एक्टिविटी आपको नजर नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर अभी जो है क्लैरिटी नहीं है कि आखिरकार एकनाथ शिंदे और साथ ही जितने भी बागी विधायक हैं उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या नहीं, और अगर करेंगे भी तो फिर वो सोशल मीडिया के माध्यम से होगा या फिर वो मीडिया को एड्रेस करेंगे। तो कुल मिलाकर अभी तक क्लैरिटी नहीं है। गुवाहाटी में बहुत शांति है, वहां कोई हलचल देखने को नहीं मिल रही है। रुक करते हैं एक बार फिर से मुंबई का, यशा कोटक देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर से मौजूद है हमारे साथ। यशा, सवेरे से काफी हलचल दिख रही है देवेंद्र फडणवीस के घर पर, फिलहाल क्या स्थिति है, कोई अपडेट? जी, फिलहाल हमने देखा कि बस कुछ ही मिनटों पहले गिरीश महाजन जो बीजेपी के नेता है वो अंदर गए हैं। नारायण राणे जो दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे वो भी फिलहाल अंदर बैठे। अभी ये समझ सकते कि नारायण राणे तो जो है मीडिया को संबोधित करने वाले थे दोपहर में, लेकिन संबोधित ना करते हुए वो यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस के घर यानी कि सागर बंगलो पहुंचे थे। अब जो बड़े नेता है सब बीजेपी के वो अंदर बैठे हैं, ऐसा हमें हमारे सूत्रों के द्वारा बताया गया है कि जब तक कोई डिसीजन ना लिया जाए स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, तब तक इसमें से बीजेपी नेताओं में से कोई भी जो है मीडिया से बातचीत नहीं कर सकता। अब ये एक हम प्रिकॉशनरी मेजर समझ सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जहाँ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के जो विधायक है शिवसेना में जो है, कल खुद यानी कि शरद पवार एनसीपी के लीडर ने ये कह दिया था कि शिवसेना का अंदरूनी मामला है, तो इसके चलते शिवसेना में जो एक तोड़ आया है जहाँ एकनाथ शिंदे के पास कुछ एमएलए जाके बैठे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि ठीक है। इस वक्त की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, बड़ी खबर, शरद पवार ने कल एनसीपी की बैठक बुलाई है। शरद पवार जिन्होंने शिवसेना में चल रही तकरार, बगावत को उनका अंदरूनी मामला बताया है, लेकिन एक घंटे अभी उद्धव ठाकरे के साथ बैठक कर रहे हैं और कल उन्होंने एनसीपी की बैठक बुलाई है। पवार और उद्धव ठाकरे के बीच बैठक जारी है। आप विशाल हमारे साथ बने हुए हैं, विशाल, अगर उद्धव ठाकरे एनसीपी की बार बार बैठक बुला रहे हैं, आखिर इन बैठकों के साथ क्या हासिल करना चाह रहे हैं शरद पवार?
देखिए शरद पवार लगातार बैठक कर रहे हैं और यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि एनसीपी के विधायक एकजुट हैं, उनमें कोई टूट नहीं है, वो पूरी तरह से पार्टी के साथ खड़े हैं और वो महाविकास अघाड़ी सरकार में उद्धव ठाकरे के समर्थन में है। यह संदेश कल भी एनसीपी की तरफ से दिया गया था और आज ऐसा ही कुछ संदेश कांग्रेस की तरफ से भी दिया गया था जब कमलनाथ उस बैठक में मौजूद थे जिसमें कांग्रेस के विधायक शामिल हुए थे। लेकिन शिवसेना के विधायक ही टूट कर गए हैं और ये दर्द उद्धव ठाकरे का आज उनके फेसबुक लाइव में भी दिखाई पड़ा कि उनके अपने ही उन्हें इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, उनके अपने नहीं चाहते कि वो मुख्यमंत्री पद पर रहें और ये वजह एक बताई जा रही है। लेकिन शरद पवार और उद्धव ठाकरे के पास बहुत कम विकल्प बचे हैं। अगर एकनाथ शिंदे 37 विधायकों का समर्थन अपने साथ ले आते हैं ऑन पेपर शिवसेना विधायकों का, तब उद्धव ठाकरे के पास कोई रास्ता बचता ठीक है। उद्धव ठाकरे उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले विशाल क्या अपील की है, इमोशनल अपील की है अपने विधायकों से, आइए आपको एक बार फिर से सुनाते हैं। या समोर बसा, मी देतो राजीनामा, चला मी तुमच्या हातामध्ये आज मी माझ्या राजीनाम्याचं पत्र तयार करून ठेवतो आहे। जे आमदार गायब आहेत किंवा त्यांना गायब केलेलं आहे त्यांनी यावं आणि माझ्या राजीनाम्याचं पत्र घेऊन राजभवनमध्ये जावं। मी का नाही जात, कारण मला कोविड, माझ्याकडे उत्तर आहे। ज्या शिवसैनिकांना असं वाटत असेल की मी शिवसेनेचं नेतृत्व करायला नालायक आहे, चला मला सांगा, मी हेही पद सोडायला तयार आहे। मी शिवसेना पक्षप्रमुख पद पण सोडायला तयार आहे, पण हे सांगणारा विरोधक नाही, नाहीतर असे फडतूस लोक खूप आहेत, त्यांच्या सांगण्यावरनं किंवा त्यांच्या त्या काय ते ट्रेंडिंग ट्रोलिंग ट्विटर फिटर ह्याच्यासाठी मी काय त्यांना मी बांधील नाही आहे, मी माझ्या शिवसैनिकाला बांधील आहे। आणि शिवसैनिक सुद्धा या भानगडीत पडणारा नाही आहे, कारण तो फेस टू फेस संकटाला सामोरं जाणारा शिवसैनिक आहे, म्हणून त्यांनी सांगावं मी दोन्ही पदं सोडायला तयार आहे। पण मी मुख्यमंत्री पद सोडल्यानंतर जर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होत असेल मला आनंदाने मान्य आहे, आनंदाने मान्य आहे, पण त्याही पलीकडे जाऊन केवळ मी मुख्यमंत्री नको, दुसरा कोणी असला तरी चालेल, पण शिवसेनेचा म्हणजे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नको, दुसरा कोणी चालेल, चला तेही मला मान्य आहे, पण एकदा मला समोर येऊन सांगा। तो उद्धव ठाकरे का यह कहना है कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार हूं, कोई शिवसैनिक ही अगर बनता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शिवांगी, कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की जो चाल है, जो एकनाथ शिंदे ये कह रहे थे कि बीजेपी के साथ जाकर के सरकार बनाई जाए, उसकी काट करने की कोशिश की है उद्धव ठाकरे ने, यह कहकर के कि कोई शिवसैनिक ही मुख्यमंत्री बने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव के माध्यम से एक तीर से दो निशाने की है। एक तरफ तो जो बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे अगर जाने का मन बना रहे हो तो उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, वहीं दूसरी ओर अपने जो बागी विधायक हैं उनको एक भावुक मैसेज देने की कोशिश की है जिससे कि कहीं ना कहीं उनका दिल पिघल जाए। हालांकि ये भी देखना होगा कि जितने बागी विधायक वहां पर पहुंचे क्या वाकई सारे बागी हैं, क्योंकि जिस तरह से सामने आकर नेता ये कह रहे हैं, खासकर आप देखिए नितिन देशमुख कह रहे हैं कि कैसे जबरन उनको उठा के ले जाया गया, मारपीट की गई, उनको अस्पताल ले जाया गया, अपहरण कर लिया गया, तो ऐसे में ये देखना होगा कि जितने भी विधायक इस वक्त वहां मौजूद हैं गुवाहाटी में, क्या सब अपनी मर्जी से गए थे, क्या उनको जबरदस्ती ले जाया गया है, और आज के फेसबुक लाइव से क्या वाकई उन पर असर पड़ा है, क्योंकि ये फेसबुक लाइव बहुत कुछ कहता है। पद छोड़ने के लिए तैयार है, केवल मुख्यमंत्री पद ही नहीं बल्कि शिवसेना प्रमुख का जो पद है वो भी छोड़ने के लिए तैयार है, और ये बहुत बड़ी बात कहते हुए नजर आए, और ये भी कह रहे हैं कि सोनिया गांधी शरद पवार वो मुझ पर भरोसा जता सकते हैं, लेकिन क्या आप मुझ पर भरोसा नहीं जता सकते, और आप मेरे परिवार के सदस्य, अगर आपकी नाराजगी है तो आप सामने आकर मुझसे बात करिए और इसको सुलझाने की कोशिश करिए। देखना होगा कि फेसबुक पर कितना असर होता है। विशाल, जब उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे के ऊपर कांग्रेस और एनसीपी को भरोसा है लेकिन क्या शिवसेना के विधायकों को भरोसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो खुद के अपने नेतृत्व पर सवाल ही खड़े करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ पिछले 2.5 साल में कि अपने ही विधायक, अपने ही शिवसैनिक उनके खिलाफ हो गए। देखिए बिल्कुल ये प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर जरूर खड़ा होगा कि वो भी जो प्रिंसिपल पार्टनर है इस सरकार में, जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं की पार्टी के विधायक अगर इस तरह से साथ छोड़कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं नेतृत्व पर सवाल जरूर खड़े होंगे। क्या संवाद की कमी रह गई, क्या विश्वास की कमी रह गई, क्या तमाम मुद्दों पर जो आपस में बैठकर बातचीत हो जानी चाहिए थी उसे पर्याप्त समय नहीं दिया उद्धव ठाकरे ने, ये कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। लेकिन दो तीन बड़े मुद्दे इसमें और निकलकर सामने आए,
एकनाथ शिंदे और उनके साथ में जो विधायक इस वक्त मौजूद हैं उनकी एक बड़ी शिकायत यह रहती थी कि शरद पवार का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा रहता था। शरद पवार के दबाव में उद्धव ठाकरे अपने विधायकों का भी पक्ष तमाम मुद्दों पर नहीं लेते थे, टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे थे, उन्हें मानकर ही चल रहे थे कि शिवसैनिक हमेशा उनके साथ ही रहेंगे और शायद इसी वजह से उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। इस बड़ी खबर पर हर अपडेट हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच बैठक खत्म हो गई है। एक घंटे तक चली दोनों नेताओं की बैठक। सीएम आवास वर्षा से मातोश्री जा सकते हैं उद्धव ठाकरे, इस वक्त की बड़ी खबर। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार जो पिछले एक घंटे से मुख्यमंत्री के सरकारी आवास वर्षा में थे, वहां उद्धव ठाकरे के साथ बैठक कर रहे थे। ये बैठक खत्म हो गई है। एक घंटे तक चली दोनों नेताओं की बैठक। बैठक से ठीक पहले उद्धव ठाकरे ने इमोशनल अपील की थी और कहा था कि शिवसैनिक जिन्हें कि मेरे नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, सामने आकर ये बात मुझसे कहें और उसके बाद मैं कुर्सी छोड़ने को तैयार हूं। और विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, बैठक खत्म हो चुकी है, किस तरह की गतिविधियां हैं, कोई अपडेट, कोई खबर? देखिए, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में जो बैठक लगभग सवा घंटे से चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है और इस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। और जैसा कि आपने फेसबुक लाइव में उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अगर किसी शिवसेना के विधायक को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है, यानी शरद पवार और उद्धव ठाकरे की इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई है कि क्या किसी अन्य शिवसेना के विधायक को मुख्यमंत्री बनाया जाए, उसमें एकनाथ शिंदे के नाम पर भी विचार हो सकता है, लेकिन ये प्रस्ताव अगर है तो इसके लिए आधिकारिक तौर पर इंतजार करना होगा। पर एकनाथ शिंदे का जो पूरा मामला है वो इससे पूरी तरह से अलग है। वो हिंदुत्व के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे से भटक गई है और कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन कर रही है, तो दोनों के जो वार्तालाप के मुद्दे हैं वो पूरी तरह से अलग हैं। और ऐसी स्थिति में देखना यह होगा कि क्या एकनाथ शिंदे इस पर कोई बातचीत के लिए उद्धव ठाकरे के साथ तैयार होंगे या नहीं होंगे। लेकिन जो तेवर एकनाथ शिंदे शाम को विशाल, जैसा कि आपने बताया, किसी और को मुख्यमंत्री बनाने पर चर्चा हुई है इन दोनों नेताओं के बीच और ऐसे में यह बहुत बड़ी खबर हो सकती है। और अगर एकनाथ शिंदे का नाम प्रस्तावित किया जाता है, क्या ऐसा ही हुआ है कि एकनाथ शिंदे का नाम भी चर्चा में आया है? देखिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे के फेसबुक लाइव की अगर हम बातचीत को देखते हुए आगे बढ़े तो उद्धव ठाकरे ने ये कहा था कि वो किसी शिवसेना के विधायक को ही मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं और वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। तो इससे अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि शिवसेना के किसी विधायक के नाम पर उद्धव ठाकरे ने चर्चा की होगी। और इस वक्त अगर विधायकों की संख्या देखें तो वो एकनाथ शिंदे के साथ ज़्यादा है। इस बात पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इस चीज़ पर भी चर्चा हुई हो, लेकिन यहां पर एकनाथ शिंदे को जो तेवर शाम को दिखाई दिए उससे यह बिल्कुल नहीं लगता है कि एकनाथ शिंदे किसी भी तरह से एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन के साथ सरकार में आना चाहेंगे। उनका झुकाव हिंदुत्व के मुद्दे पर है, उनका झुकाव बाला साहब ठाकरे के जो तमाम मुद्दे थे उनको लेकर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे किस तरफ आगे बढ़ते हैं इस पर लोगों की निगाहें रहेंगी। लेकिन शरद पवार उद्धव ठाकरे की इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए इस पर अभी आधिकारिक बयान का इंतजार करना होगा। विशाल, ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि यहां से निकल करके उद्धव ठाकरे मातोश्री जा सकते हैं आपसे थोड़ी देर में। देखिए, बिल्कुल उद्धव ठाकरे यहाँ से अपने घर पर जा सकते हैं, मातोश्री में भी उनका आवास है और यहाँ पर ये सरकारी घर है मुख्यमंत्री का। हो सकता है कि उद्धव ठाकरे यहाँ से जाए अपने घर पर और अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वहाँ पर पहुँचें। लेकिन उद्धव ठाकरे ने आज पूरी तरह से ये संदेश दे दिया है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार है अगर किसी शिवसेना के विधायक को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इसके पीछे दो सबसे बड़ी वजहें हैं चंदन। एक ये कि वो अपने काडर को संदेश देना चाहते हैं, दूसरा वो अपनी पार्टी को बचाकर रखना चाहते हैं। क्योंकि किसी मान लीजिए एकनाथ शिंदे ने 34 विधायकों का समर्थन लिया है तो वो सरकार जरूर गिरा देंगे, लेकिन शिवसेना की पार्टी की सेहत पर कोई असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड, जिला अध्यक्ष, बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए। महाराष्ट्र की सियासत शतरंज की बिसात की तरह हो गई है। यहां हर नेता शह और मात का खेल खेल रहा है। उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव के जरिए जहां शिवसैनिकों से गद्दारी ना करने की अपील की तो वहीं एकनाथ शिंदे पार्टी पर अपना शिकंजा कसने की तैयारी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या उद्धव की मार्मिक अपील का एकनाथ शिंदे पर कोई असर पड़ेगा? क्या एकनाथ शिंदे अलग शिवसेना बनाएंगे? देखिए कैसे एकनाथ की रणनीति फिलहाल उद्धव की राजनीति पर भारी पड़ती दिख रही है।
महाराष्ट्र की सियासत में शतरंज की बिसात बिछ गई है, शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। बीजेपी इस बार खामोशी अख्तियार किए हुए है, नेपथ्य में रहकर ऊंट किस करवट बैठता है इसका इंतजार कर रही है। लेकिन उनका सबसे तगड़ा मोहरा यानी एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के महाराज उद्धव ठाकरे को चित करने के लिए लगातार अपने दांव चल रहे हैं। शिंदे अपने 46 सैनिकों के साथ महाराज का किला ढहाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उद्धव के नेतृत्व में अघाड़ी सरकार शहरमात के इस खेल को अब लंबा खींचने के तरीके ढूंढ रही है। मुख्यमंत्री निवास पर जा रहा हूं, जरूर मैं सीएम साहब से मेरी मुलाकात होगी, उनके साथ मैं बैठूंगा, लेकिन जो करना है वो महाविकास अघाड़ी एक साथ बैठकर निर्णय लेगी। जब तक विधायक मुंबई में नहीं आते तब तक कोई निर्णय नहीं होगा। हमें शिवसेना को अपने आप तय करना है, वो अपने विधायकों से कैसे बात करेंगे। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस में पूरी एकता है, कांग्रेस के विधायक बिकाऊ नहीं है, कांग्रेस के विधायक सब टिके रहेंगे। हार किसकी होगी, जीत किसकी होगी, फैसला बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन इतना तो साफ हो चुका है कि रणनीति किसकी सबसे बेहतर है, तैयारी किसकी सबसे मुकम्मल है और महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज कौन होगा, समझिए कैसे। एकनाथ शिंदे ने बगावत की तो उद्धव ठाकरे ने उनसे बातचीत कर मनाने की कोशिश की, नतीजा सिफर रहा। एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल के नेता पद से हटा दिया गया, फिर भी वो झुके नहीं। एकनाथ शिंदे ने उनकी जगह अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल का नेता बनाए जाने को अवैध करार दिया, लेकिन इसी बीच कैबिनेट बैठक समाप्त होने के बाद शिवसेना ने अपने सभी विधायकों को विहिप जारी किया। सभी को उद्धव के अधिकारी का आवास वर्षा पर पहुंचने का फरमान सुनाया गया, लेकिन एकनाथ शिंदे ने कह दिया कि असली शिवसेना तो उनकी है, उन्हीं के साथ शिवसैनिकों का समर्थन है, 2019 से वही शिवसेना के विधायक दल के नेता रहे हैं। यही नहीं, सूत्रों की माने तो गुवाहाटी में शिंदे गुट के विधायकों ने एकनाथ शिंदे को विधान मंडल दल का नेता भी चुन लिया। मतलब ये हुआ कि उद्धव ठाकरे सरकार बचा पाए या ना बचा पाए, अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी बचाने की है, वो पार्टी जिसे उनके पिता ने बनाई, वो पार्टी जो महाराष्ट्र की राजनीति में किंग मेकर रही, वो पार्टी जिसे राज ठाकरे की बगावत भी हिला नहीं सकी। तो क्या एकनाथ शिंदे की रणनीति उद्धव की राजनीति पर भारी पड़ रही है? क्या एकनाथ शिंदे की बगावत से शिवसेना पर ठाकरे परिवार की पकड़ कमजोर होती जा रही है? देखिए अंक गणित क्या कहता है। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 39 बागी विधायक हैं। इसके अलावा 7 निर्दलीय विधायक भी शिंदे कैंप में शामिल हो चुके हैं, यानी कुल मिलाकर 46 विधायक एकनाथ शिंदे के समर्थन में हैं, जबकि उद्धव ठाकरे के साथ सिर्फ और सिर्फ 16 विधायक ही बचे हैं। त्यांनी सांगावं, मी दोन्ही पद सोडायला तयार आहे, पण मी मुख्यमंत्री पद सोडल्यानंतर जर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होत असेल मला आनंदाने मान्य आहे, आनंदाने मान्य आहे, पण त्याही पलीकडे जाऊन केवळ मी मुख्यमंत्री नको, दुसरा कोणी असला तरी चालेल, पण शिवसेनेचा म्हणजे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नको, दुसरा कोणी चालेल, चला तेही मला मान्य आहे, पण एकदा मला समोर येऊन सांगा। इससे भी बड़ी बात ये कि शिवसेना के 34 विधायकों के हस्ताक्षर के साथ एक चिट्ठी महाराष्ट्र विधानसभा उपाध्यक्ष के साथ साथ राज्यपाल को भेज दी गई है, जिसका सीधा अर्थ ये हुआ कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या शिवसेना का वही हाल होगा जो रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी का हुआ? क्या शिवसेना LJP की ही तरह टूट जाएगी? दल बदल कानून की बात करें तो भी उद्धव ठाकरे के लिए पार्टी को बचा पाना टेढ़ी खीर साबित होता नजर आ रहा है, इसलिए क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना के 2/3 विधायकों का समर्थन है। यही नहीं, महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में कई दिग्गजों का शामिल ना होना भी शुभ संकेत नहीं है। आदित्य ठाकरे, गुलाब राव पाटिल और संदीपन भूमरे कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे। मतलब ये कि उद्धव सरकार का काउंटडाउन शुरू होने के साथ अब शिवसेना टूट की कगार पर पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
महाराष्ट्र गंभीर सियासी संकट से जूझ रहा है। आपको बताते हैं कि इस सियासी संकट से बाहर निकलने के क्या विकल्प हो सकते हैं। पहला विकल्प यह है कि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के समर्थन से बीजेपी की सरकार बन जाए। दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि एकनाथ शिंदे को शिवसेना मना ले। इसके अलावा तीसरा विकल्प यह हो सकता है कि एकनाथ शिंदे को शिवसेना से बर्खास्त कर दिया जाए और बागी विधायक वापस पार्टी में लौट आए। ऐसी सूरत में आघाड़ी सरकार चलती रहेगी। अगला विकल्प यह है कि उद्धव एकनाथ शिंदे की बात मान लें और बीजेपी के साथ सरकार बना लें। हालांकि इसकी उम्मीद बेहद कम नजर आ रही है, क्योंकि आज उद्धव ने सोनिया गांधी और शरद पवार की जमकर के तारीफ की है। और आखिरी विकल्प यह होगा कि फ्लोर टेस्ट में फैसला किया जाए। मौजूदा हालात को देखते हुए इस बात की उम्मीद ज्यादा है कि फ्लोर टेस्ट में आघाड़ी गठबंधन की हार हो जाएगी और इसके बाद नई सरकार का रास्ता साफ हो सकता है। हमारे साथ दो सहयोगी हमारे बने हुए हैं, उनसे उनका रुख करते हैं। अश्विन पांडे हमारे साथ हैं और विशाल हमारे साथ बने हुए हैं, वर्षा के बाहर हैं दोनों। अश्विन, एक घंटे सवा घंटे की जो ये मुलाकात चली है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, कोई जानकारी? जी देखिए, जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने 5 बजे की जो फेसबुक लाइव कर रहे थे उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर कोई शिवसेना का मुख्यमंत्री बनता है तो मैं ये पद छोड़ने के लिए तैयार हूं, इस पर भी चर्चा हुई है। अब सवाल ये है कि क्या उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को ये ऑफर कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अगर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद ऑफर किया जाता है तो क्या एकनाथ शिंदे वापस शिवसेना में लौटेंगे, ये जाहिर सी बात है एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर मंथन शिवसेना करेगी। और अभी शिवसेना के नेताओं के साथ जो है उद्धव ठाकरे बैठक कर रहे हैं। शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल यानी कि एनसीपी के जो नेता हैं वो यहां से जा चुके हैं और अब शिवसेना के नेताओं के साथ एक बैठक की जा रही है। उस बैठक के बाद क्या जो है कदम उठाया जाएगा वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये अपने फेसबुक लाइव में ही उद्धव ठाकरे ने संकेत दे दिए थे कि वो पद छोड़ने के लिए ना सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि पार्टी चीफ का पद भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर मेरे शिवसैनिक यानी कि उनके शिवसैनिक आकर ये बात उनसे सामने कहें तो देखना होगा कि ये जो बैठक हो रही है उस बैठक के बाद क्या उद्धव ठाकरे फैसला करते हैं। ठीक है, बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। और विशाल, आप उद्धव ठाकरे के पास क्या क्या विकल्प बचे हैं अभी फिलहाल जो स्थिति है? भले उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे डायरेक्टली नाम नहीं लिया है, लेकिन कोई दूसरा शिवसैनिक मुख्यमंत्री बनता है क्या ये इतना आसान होगा? क्या ठाकरे परिवार इतनी आसानी से जो सत्ता आई है उसको जाने दे सकता है? देखिए, यहाँ पर उद्धव ठाकरे के पास विकल्प बहुत कम बचे हैं और 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और उसी के आसपास उसके बाद में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होने हैं। उद्धव ठाकरे को यह पता है कि अब इस वक्त सरकार बचाने के लिए उनके हाथ में बहुत कुछ नहीं है। कुछ ऐसा करिश्मा हो जाए तो भले ही उनकी सरकार बचे, क्योंकि खुद उनकी ही पार्टी के विधायक उनका साथ छोड़कर बागी हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे चाहे फेसबुक लाइव हो उसके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ यही संदेश देना चाह रहे हैं कि शिवसेना बची रहे, उनकी पार्टी बची रहे, बाला साहब ठाकरे की यह पार्टी है, और अपने काडर को एक भावनात्मक संदेश देकर यह बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया, ताकि आने वाले चुनावों में चाहे 24 के चुनाव हो लोकसभा के या विधानसभा में उनका काडर ठीक है। तो सिद्धांत अपने कोर वोटर को एड्रेस किया है, साथ ही साथ ये एक ब्रेव फेस पेश करने की कोशिश की है कि सरकार में ना भी रहे तो भी जो मूल्य है, जो सिद्धांत है, उससे पार्टी ने समझौता नहीं किया है और हिंदुत्व को लेकर जो आरोप एकनाथ शिंदे ओर से लगाए गए थे उसको एड्रेस करने की कोशिश की है। महाराष्ट्र में लोकतंत्र की दौड़ चल रही है, 36 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायक मुंबई से सूरत और सूरत से गुवाहाटी तक की कुल दूरी करीब 3000 किलोमीटर तय कर चुके हैं। इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत के दो केंद्र बिंदु बन गए हैं, पहला मुंबई जहां सरकार बचाने की कोशिश हो रही है, दूसरा गुवाहाटी जहां एक होटल के अंदर से सरकार गिराने के लिए शतरंज की चालें चली जा रही हैं। देखिए सूरत से लेकर गुवाहाटी तक अब तक का पूरा सियासी ड्रामा। महाराष्ट्र द ग्रेट पॉलिटिकल मैराथन चल रही है। इस मैराथन की मशाल थामे हुए हैं शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे। शिंदे की बागी टीम सोमवार की रात मुंबई से सूरत पहुंची और उसके बाद
रातों रात एकनाथ शिंदे अपने समर्थक विधायकों के साथ सूरत से गुवाहाटी में डेरा जमा लिए। मंगलवार की रात एकनाथ शिंदे ने सूरत से गुवाहाटी रवाना होने से पहले होटल में बागी विधायकों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई। संदेश था खुद का शक्ति प्रदर्शन। इस ग्रुप फोटो में सबसे आगे की लाइन में बीचों बीच बैठे थे एकनाथ शिंदे। 14 विधायक बैठे थे और 21 खड़े थे। ग्रुप फोटो के बाद सूरत के होटल से सभी विधायक रात करीब 2 बजे सूरत एयरपोर्ट पर पहुंचे। नाराज नहीं है। यहाँ मीडिया का जबरदस्त जमावड़ा था। गुजरात पुलिस को एकनाथ शिंदे समेत सभी विधायकों को एयरपोर्ट के अंदर भेजने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। एक एक विधायक को पुलिस एस्कॉर्ट कर एयरपोर्ट के अंदर ले गई। नाराज बिल्कुल नहीं है हम लोग। ज्यादातर विधायकों ने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन कुछ विधायकों ने चलते चलते बयान दिया कि वो एकनाथ शिंदे के साथ। शिंदे साहब अगर रिटर्न गए तो हम भी उनके साथ जाएंगे। सूरत से गुवाहाटी पहुंचते ही एयरपोर्ट पर एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि उनके साथ 40 से ज्यादा विधायकों का साथ है, जिसमें से 6 से 7 विधायक निर्दलीय हैं। शिवसेना के 40 MLAs अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे ने यह भी दावा किया कि बीजेपी ने उनसे किसी भी तरह का संपर्क नहीं किया है, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा टाटा सफारी गाड़ी से होटल पहुंचे और सुबह करीब 6:30 बजे तक वहां रहे। इस बीच शिवसेना के एक विधायक नितिन देशमुख सूरत से नागपुर लौट आए। उन्होंने उद्धव ठाकरे में अपना भरोसा जताया और आरोप लगाया कि गुजरात पुलिस उन्हें जबरदस्ती अस्पताल लेकर गई थी। 100-150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं सही सलामत हूँ, अभी भी अच्छा हूँ। और मैं उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ में हूँ, हमारे नेता जी है। इन सब के बीच कुछ ऐसा हुआ कि सवाल उठने लगे कि क्या उद्धव ठाकरे ने सरकार बचाने की लड़ाई से पहले ही हथियार डाल दिए हैं। ये सवाल 2 घटनाओं से उठे। बुधवार सुबह संजय राउत ने कहा कि उनकी एकनाथ शिंदे से फोन पर 1 घंटे बात हुई, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहकर चौंका दिया कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता चली जाएगी। हमारा डायलॉग चल रहा है, आज सुबह भी मेरी एकनाथ शिंदे जी से बातचीत चल रही थी, आज सुबह हम दोनों ने 1 घंटा बातचीत की है। यहाँ से जो बातचीत हुई उस बारे में मैंने पार्टी चीफ को बताया है, कोई बात छुप कर नहीं रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी और क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है। सर प्रतिष्ठा होती है पार्टी की, वो सबसे ऊपर है। इस बयान के बाद मुख्यमंत्री के पुत्र आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर प्रोफाइल से मंत्री शब्द हटा लिया। आदित्य ठाकरे पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के साथ साथ पर्यटन और प्रोटोकॉल मंत्री भी हैं। उसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर आने लगी कि आज शाम तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ये भी खबर आई कि उद्धव राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। दोपहर बाद उद्धव ने कैबिनेट बैठक भी बुलाई। इस बैठक में उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। कहा गया कि उद्धव को कोरोना हो गया है। हालांकि शाम होते होते खबर आई कि उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बहरहाल कैबिनेट बैठक में विधानसभा भंग करने जैसा कोई फैसला नहीं लिया गया। अलबत्ता शिवसेना ने सभी विधायकों की बैठक बुलाते हुए एक व्हिप जारी किया। विधायकों को अल्टीमेटम दिया गया कि शाम 5 बजे तक जो विधायक बैठक में नहीं आएंगे तो ये माना जाएगा कि आप पार्टी तोड़ना चाहते हैं और उनकी सदस्यता रद्द की जाएगी। जब तक विधायक मुंबई में नहीं आते तब तक कोई निर्णय नहीं होगा। लेकिन एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से 2 कदम आगे निकले। चौसर की चाल पहले से तय थी। एकनाथ शिंदे ने पहली गोटी फेंकी, दावा किया कि शिवसेना उनकी है, वो ही शिवसेना के असली नेता हैं। गुवाहाटी के होटल में एकनाथ शिंदे ने बागी विधायकों के साथ एक प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव में 34 शिवसेना के विधायकों के हस्ताक्षर थे।
प्रस्ताव में एकनाथ शिंदे को विधानमंडल दल के नेता के रूप में चुना गया। ये भी कहा गया कि उद्धव ठाकरे का विधायक दल की बैठक बुलाना अवैध है, अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बनाना अवैध है। सिर्फ 16 विधायकों ने अजय चौधरी को चुना। एकनाथ शिंदे अब भी विधायक दल के नेता है। ये प्रस्ताव महाराष्ट्र के गवर्नर और विधानसभा उपाध्यक्ष को भेज दिया गया। एकनाथ शिंदे ने ट्वीट भी किया। शिवसेना विधायक श्री भरत गोगावले को शिवसेना विधानमंडल का मुख्य प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। श्री सुनील प्रभु द्वारा विधायकों की आज की बैठक से संबंध में जारी आदेश कानूनी रूप से अमान्य है। दरअसल एकनाथ शिंदे का दावा है कि 55 में से 34 शिव सैनिक उनके साथ होटल में हैं, साथ में 7 निर्दलीय विधायक भी हैं। इसलिए अब असली शिवसेना उद्धव ठाकरे की नहीं उनकी है। इस बीच महाराष्ट्र में कई जगहों पर शिव सैनिकों ने बगावत के खिलाफ प्रदर्शन किए। औरंगाबाद में तो कुछ शिव सैनिकों के आंखों में आंसू भी निकल आए। शिव सैनिकों ने और पदाधिकारियों ने और मतदारों ने वोटर्स ने एक निष्ठा से उनको चुन के दिया है। आज उन्होंने उनकी निष्ठा बेच दी है, उन्होंने उनकी निष्ठा गहन रखी है। इन गद्दारों का हम हमारी भाषा में निषेध करते हैं। इन गद्दारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इन गद्दारों को पक्ष में से हकल पट्टी की जाए, इनका हम निषेध व्यक्त करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बागी अड़े अब क्या करेंगे उद्धव ठाकरे, किंवा त्याने गायब करून गायब केलेलं आहे, त्यांनी यावं आणि माझ्या राजीनाम्याचं पत्र घेऊन राजभवन मध्ये जावं। मी का नाही जात, कारण मला कोविड झालंय। उद्धव ठाकरे से पहले बगावत अब अदावत। शिवसेना के 40 MLAs अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। पहले शक्ति प्रदर्शन, अब शिवसेना पर कब्जे करा। ये भी पार्टी के तो एक ही मकसद है, सारे हिंदुस्तान को कब्जे में लाना, चाहे इसके लिए चुनाव हो या चुनाव ना हो। सत्ता जाएगी, क्या पार्टी भी हाथ से जाएगी? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी और क्या होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती। उद्धव या शिंदे, शिव सैनिक किसके साथ? शिवसेना से जो टकराएगा मिट्टी में नहीं जाएगा। तुम तो सब तुम संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है। ये जो आमदार चुन के आए हैं, इनको सब शिव सैनिकों ने और पदाधिकारियों ने और मतदारों ने वोटर्स ने एक निष्ठा से उनको चुन के दिया है। आज उन्होंने उनकी निष्ठा बेच दी है, उन्होंने उनकी निष्ठा गहन रखी है। इन गद्दारों का हम हमारी भाषा में निषेध करते हैं। इन गद्दारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इन गद्दारों को पक्ष में से हकल पट्टी की जाए। महाराष्ट्र की राजनीति में अब आगे क्या होगा? मी देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.